Morning students, I am Dr. Rekha Prajapat. In previous lecture we talked about Z parameters. पिछले lecture में हमने Z parameters की बात की थी. In today's lecture we will talk about Y parameters of four terminal network. So आज हम discuss करेंगे Y parameters के बारे में किसी four terminal network के लिए. So हम ये जानते हैं कि किसी four terminal network में four parameters हम consider करते हैं. That is input voltage V1, आउटपुट वोल्टेज V2, इनपुट करंट I1, आउटपुट करंट I2, निवेशी वोल्टा V1, निर्गत वोल्टा V2, निवेशी धारा I1 और निर्गत धारा I2. इन चार पैरामीटर में से किन्हीं दो पैरामीटर्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया जाता है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाई पैरामीटर्स, इन दैट केस V1 एंड V2 आर टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो V1 और V2 को यहाँ पे स्वतंत्र चर लिया गया है और धारा I1 और I2 यानी करंट I1 और I2 को यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स कंसीडर किया गया है और I1 एंड I2 फंक्शन है V1 और V2 के. सो उस केस में हम लिखते हैं करंट को I1 इज इक्वल टू द F3, दैट इज द फंक्शन ऑफ V1 एंड V2 एंड I2 इज द फंक्शन ऑफ F4 V1 एंड V2. देखिए, जब हमने बात की थी Z पैरामीटर्स की, तो Z पैरामीटर में हमने कहा था खुले परिपथ के पैरामीटर्स थे, दैट वाज अ ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर. अब आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं Y पैरामीटर्स की. सो Y पैरामीटर्स होते हैं शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर. ये लघु पथिक प्रवेश्यता प्राचल होते हैं. सो आगे हमें जब इन Y पैरामीटर्स को डिस्कस करना है, सो उसके लिए हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं, इनका अवकलन करते हैं. सो ऑन डिफरेंशिएशन वी आर गेटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 3, dI1 दैट इज इक्वल टू द dI1 अपॉन dV1 इंटू dV1 प्लस dI1 अपॉन dV2 इंटू dV2. सिमिलरली जब इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएशन किया जाता है, देन वी विल गेट dI2 इज इक्वल टू द dI2 अपॉन dV1 इंटू dV1 प्लस dI2 अपॉन dV2 इंटू dV2. सो हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मिली है. हम ये जानते हैं कि इम्पीडेंस Z और एडमिटेंस Y यानी कि प्रतिबाधा Z और प्रवेश्यता Y पैरामीटर्स दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. सो Z इज इक्वल टू द 1/Y होता है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमें यहाँ पे दो चार पैरामीटर्स मिल रहे हैं इन इक्वेशंस में, दैट इज dI1 अपॉन dV1, dI1 अपॉन dV2 और इस केस में हमें मिल रहा है dI2 अपॉन dV1 और यहाँ पे हमें मिल रहा है dI2 अपॉन dV2. ये जो पैरामीटर होता है dI अपॉन dV, इसे Y कहा जाता है, इसको कहते हैं एडमिटेंस पैरामीटर. सो Y इज इक्वल टू द I अपॉन V और I इज इक्वल टू द V इनटू द Y. सो आगे हम बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं साइनोसॉइडल और अल्टरनेटिंग करंट जिसकी वैल्यू बहुत कम है. सो उस केस में हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो हमारी क्वांटिटी आ रही है dV1 could be taken equal to the V1. So dV1 को हम यहाँ V1 के equal लिख सकते हैं. dV2 is equal to the V2. dI1 is equal to the I1 and dI2 is equal to the I2. So when we are talking about the admittance parameter, then we will talk about short circuit condition. So देखिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस first term की, that is dI1 upon dV1. ये टर्म इक्वल होती है y के बराबर, डेल आई अपॉन डेल वी बराबर होता है y के, जिसे हम सर्किट की एडमिटेंस कहते हैं, उसे परिपथ की प्रवेश्यता कहते हैं. सो हम यहाँ देख सकते हैं, हमने कहा है कि किसी भी फोर टर्मिनल के नेटवर्क के दो टर्मिनल्स हम लेते हैं, इनपुट टर्मिनल्स और आउटपुट टर्मिनल. इनपुट टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 1-1 से और आउटपुट टर्मिनल को रिप्रेजेंट किया जाता है 2-2 से. सो हम यहाँ देख सकते हैं हमारी करंट I1 है और वोल्टेज V1 है. सो इसीलिए हम यहाँ पे इस पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं yi से. यहाँ पे i का मीनिंग है इनपुट, yi साथ ही हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू द y11. सो yi इज इक्वल टू द y11 एंड दैट इज इक्वल टू द dI1 अपॉन dV1. अब क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अल्पमान की प्रत्यावर्ती और ज्यावक्रीय धारा के लिए, सो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं I1 अपॉन V1. सो yi
या Y11 को लघुपतित परिपथ की निवेशी प्रवेश्यता कहा जाता है जबकि आउटपुट टर्मिनल को लघुपतित किया गया हो, और आउटपुट टर्मिनल को लघुपतित करने का मतलब है V2 इज इक्वल टू द जीरो. सो YI means del I1 upon del V1 that is equal to the Y11 and it is known as the input impedance of short circuit when output terminals are short circuited means V2 is equal to the zero. Now we talk another parameter of equation number 3. Equation number 3 mein hum yahan pe second terms dekh sakte hain, that is the del I1 upon del V2. So ये भी हमारी एडमिटेंस टर्म के इक्वल है. रिप्रेजेंट करेंगे y से, yr से. अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर i1 है, नीचे v2 है. सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y12 से. सो इट वाज इक्वल टू द y11 एंड दिस टर्म इज इक्वल टू द y12. सो yr दैट इज इक्वल टू द y12 और इसको हम लिखते हैं डेल i1 अपॉन डेल v2 के इक्वल. अब क्योंकि हमने यहाँ लो वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की बात करी है, सो इट विल बी इक्वल टू द I1 अपॉन V2. सो YR और Y12 को कहा जाता है लघुपतित परिपथ की उत्क्रम अभिगमन प्रवेश्यता जबकि निवेशी टर्मिनल लघुपतित हो. मींस V1 की वैल्यू जीरो के इक्वल हो. जब हमने इनपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं मींस V1 की वैल्यू जीरो होती है. सो रिवर्स, उस केस में रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस होती है Y12 और दैट इज इक्वल टू द YR. सो YR और Y12 इज नोन एज द रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किट मींस V1 इज इक्वल टू द जीरो. सो अभी हमने बात करी थी इक्वेशन नंबर 3 की जिसमें दिस टर्म इज इक्वल टू द Y11 और YI एंड दिस टर्म इज इक्वल टू द YR और Y12. अब हम आगे बात करते हैं इक्वेशन नंबर 4 की जिसमें हम देख सकते हैं दैट इज द डेल I2 अपॉन डेल V1. सो इसको हम कहेंगे VF YF एंड दैट इज इक्वल टू द Y21. सो देखिए आगे हम बात कर रहे हैं YF की. F का मीनिंग है यहाँ पे फॉरवर्ड और जिसको हम लिखते हैं Y21 के इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू द डेल I2 अपॉन डेल V1 और इक्वल टू द I2 अपॉन V1. सो Y21 को कहा जाता है लघुपतित परिपथ की अग्र अभिगमन प्रवेश्यता जबकि निवेशी टर्मिनल लघुपतित हो. जब इनपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट किया जाता है मींस जब V1 इज इक्वल टू द जीरो होता है, उस केस में जो लघुपतित परिपथ की अग्र अभिगमन प्रवेश्यता होती है दैट इज इक्वल टू द Y21 और YF. आगे हम बात करते हैं लास्ट पैरामीटर की, दैट इज द Y22 जिसको हम YO भी लिखते हैं. O stands for output. So YO that is equal to the Y22 that is del I2 upon del V2 means I2 upon V2. 2 represent करता है output terminals को. So इसे कहा जाता है लघुपतित परिपथ के निर्गत प्रवेश्यता जबकि निवेशी टर्मिनल लघुपतित हो. जब इनपुट टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है मींस व्हेन V1 इज इक्वल टू द जीरो, उस केस में Y22 दैट इज डेल I2 अपॉन V2 लघुपतित परिपथ के निर्गत प्रवेश्यता को शो करता है. सो Y22 इज टर्म्ड एज आउटपुट एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट व्हेन इनपुट टर्मिनल इज शॉर्ट सर्किट लाइक V1 इज इक्वल टू द जीरो. सो अभी हमने इस केस में बात करी है टोटल 4 पैरामीटर्स की एंड दीज पैरामीटर्स आर Y11, Y12, Y21 एंड Y22. इन 4 पैरामीटर्स को हम कहते हैं Y पैरामीटर या लघुपतित प्रवेश्यता प्राचल. दीज 4 पैरामीटर्स आर टर्म्ड एज Y पैरामीटर्स और शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स. अब आगे हमने यहां पे हमारे पास में ये इक्वेशन आई थी I1 और I2 के लिए. सो हम ये जानते हैं, हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो लीनियर एलिमेंट्स होते हैं. सो यहाँ पे जो VI कर्व अगर इनके लिए प्लॉट किया जाएगा देन इट विल बी अ लीनियर कर्व. सो हम ये कहते हैं कि इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो भी कांस्टेंट होते हैं. सो उस केस में हम इसको लिखते हैं I1 दैट इज इक्वल टू द YI इंटू V1 प्लस YR इंटू V2 और I2 विल बी इक्वल टू द एंड I2 इन दैट केस विल बी इक्वल टू द YF
एंड दिस विल बी इक्वल्स टू द y नॉट. सो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था इनपुट एडमिटेंस, रिवर्स, फॉरवर्ड और आउटपुट एडमिटेंस. सो इसके इन की टर्म्स में जब हमने इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 को रिप्रेजेंट किया है तो हमें मिलता है I1 इज इक्वल टू द yi v1 प्लस yr v2 दैट इज इक्वल टू द y11 v1 प्लस y12 v2 एंड I2 हमें मिलता है yf v1 प्लस yo v2 दैट इज इक्वल टू द y21 v1 प्लस y22 इनटू v2. ये सभी 4 टर्मिनल नेटवर्क्स के y पैरामीटर्स हैं. सो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे देन वी विल गेट I1 I2 दैट इज इक्वल टू द y11 y12 y21 y22 मल्टीप्लाइड बाय v1 v2. सो अब नेक्स्ट पर्पज है हमारा, हमें यहाँ पे इस 4 टर्मिनल नेटवर्क को y पैरामीटर्स के इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्रेजेंट करना है. सो देखिए उस केस में हम यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है दैट इज v1, आउटपुट वोल्टेज इज v2 एंड दिस इज द इनपुट इम्पीडेंस दैट इज y11 एंड दैट इज आउटपुट, दिस इज द इनपुट एडमिटेंस दैट इज y11 एंड दैट इज द आउटपुट एडमिटेंस दैट इज y22. और यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट करा है करंट सोर्स को दैट इज द इनपुट करंट सोर्स दैट इज y12 into v2. सो दिस इज द y12 into v2 एंड दिस इज द आउटपुट करंट सोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं सो दैट इज द y21.